हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 4.2 का, ठीक है। तो अब हम जो है इसका सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1, यानी कि जो हमें इस बुक में जो है एग्जाम्पल 1 है उसको बोला गया है कि उसको करना है हमें, ठीक है। तो हम एग्ज़ाम्पल 1 को देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल 1 में जो है दो पार्ट हैं हमारे पास। तो इसमें बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, यानी कि उसने हमें कुछ सिचुएशंस दी हैं और वो बोल रहा है कि इसे हमें इन सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। मींस इसकी जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसे बनाना है। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला जा रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ कहा जा रहा है कि जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। जॉन और जयंती दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। अब ये हमें नहीं पता है कि जॉन के पास कितने हैं और जयंती के पास कितने हैं, दोनों का हमें टोटल बता दिया है कि 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। अच्छा, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब क्या है कि दोनों के पास से जो है फाइव मार्बल्स जो है वो गुम हो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब दोनों के पास से पांच मार्बल गुम हो जाते हैं यानी कि लॉस्ट हो जाते हैं, तो जो उन दोनों के पास जो मार्बल्स हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो जो है 124 है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। अब ये जो है इसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट लाइन में बोला जा रहा है कि जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि जॉन और जयंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। अब हमें ये नहीं पता कि किसके पास कितने हैं, तो हम लेट कर लेते हैं कि जॉन के पास मान लो एक्स मार्बल्स हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी एक्स, इसे हमने एक्स मान लिया। मान लो जॉन के पास एक्स मार्बल है, ठीक है। तो जॉन के पास एक्स मार्बल है तो जयंती के पास कितने हुए, यानी के ये टोटल नंबर तो हमें पता है कि दोनों के पास कुल मिला के इतने हैं। अगर हम टोटल नंबर में से जॉन के मार्बल्स जो है माइनस कर दें तो वो जयंती के मार्बल्स हो गए, ठीक है ना। तो हम फिर लिखेंगे देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जयंती हैड, तो जयंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, यानी कि ये टोटल नंबर हमारे पास 45 है, इसमें से हमने जॉन के माइनस कर दिए, तो ये जो है नंबर ये आ जाएगा हमारा जयंती का कि जयंती के पास इतने मार्बल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कहा जा रहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, यानी कि अब दोनों के पास से जो है पांच मार्बल्स जो हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इट इज़ गिवन डैट बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, फाइव मार्बल्स ईच। देन जब दोनों के पास से पांच मार्बल लॉस्ट हो जाएंगे यानी कि गुम हो जाएंगे, तब क्या होगा, द नंबर ऑफ जॉन के पास कितने मार्बल होंगे उसको लिखेंगे हम, द नंबर ऑफ मार्बल्स देन द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन,
left with John, तब क्या होगा? अब जॉन के पास से 5 मार्बल गुम हो गए, तो जॉन के हमने x मार्बल लेट कर रखे हैं कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो यानी कि इसके पास जितने भी मार्बल हैं उसमें से 5 माइनस हो गए, ठीक है ना? ये इसके पास मार्बल हो गए, अब 5 लॉस हो जाने के बाद, तो x माइनस 5 इसके पास मार्बल्स हो जाते हैं, ठीक है? ऐसे ही अब हम जयंती का देख लेते हैं, तो द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जयंती एंड द नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जयंती। अब जयंती के पास कितने होंगे? ये हमारे पास जयंती का 45 माइनस एक्स, ये जयंती के पास मार्बल थे, इसमें से 5 और गुम हो गए, तो इसके पास कितने हो जाएंगे? ये तो टोटल नंबर 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 इसके और गुम हो गए, तो ये माइनस 5 कर देंगे इसमें, ठीक है? तो ये टोटल नंबर इसके पास हो जाएगा, 45 में से 5 गए, यानी कि 40 माइनस एक्स, ये अब जो है ये जयंती के पास मार्बल्स हैं, ठीक है? अच्छा, अब आगे हमें बोला जा रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, ठीक है? अब दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 124 है, तो अब हम लिखेंगे आल्सो इट इज गिवन दैट, आल्सो इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स both of them now is 124, ठीक है? यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, एक तो ये x माइनस 5, ठीक है, ये जॉन के हो गए, और ये 40 माइनस x, ये जयंती के हो गए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 124 के बराबर है, ठीक है? हमें यही बोला जा रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124, ठीक है? इन दोनों का प्रोडक्ट बोला जा रहा है, तो यानी कि इसका और इसका दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका जो आएगा ये 124, ये हमें गिवन है 124 की 124 है, ठीक है? अब इसे हमें जो है ये हमारे पास यही इक्वेशन आ गई, अब इसे हम सॉल्व करके और इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है हम लेके आएंगे, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो ये हमारी ये वाली साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x को 40 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही जो है माइनस 5 को 40 से करेंगे मल्टीप्लाई और फिर माइनस x से करेंगे, और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, जो जनरल फॉर्म होती है तो उसमें हमें लेके आना है, ठीक है? तो इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, देन x इंटू 40, ये हमारा हो जाएगा 40x, ठीक है, 40x, और x जो है माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और माइनस 5 जो है 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 20 यानी कि 200, और ये माइनस जब माइनस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस साइन जो है ये प्लस के हो जाएंगे,
तो ये प्लस हो गया और 5x हो जाएगा ये, ठीक है, और इज इक्वल टू 124। ये हमने इसको और आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 40x प्लस 5x, यानी कि ये हो जाएंगे प्लस के 45x माइनस 200 इज इक्वल टू 124। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 124 को इधर लाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, और ये 124 जब इस साइड आएगा तो ये माइनस का 124 हो जाएगा, तो ये हो गया 124 माइनस का इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस और 200 और माइनस 124 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस जो है ये इसको एक्स स्क्वायर को प्लस में लाने के लिए माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया तो हमें मिल गया एक्स स्क्वायर और अंदर के सारे साइन जो है वो पलट जाएंगे, यानी कि प्लस का 4x है ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये माइनस का 324 है तो ये प्लस का 324 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 324, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये आ गई इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो कि हमसे पूछी गई है, तो हम इसमें लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली। तो इसमें हम लिखेंगे देयरफॉर देयरफॉर इट इज द रिक्वायर्ड इट इज द रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, ऑफ द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, तो स्टूडेंट्स ये जो है हमने इसको क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करा और मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी बहुत इजी वे में, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई मान लो कोई स्टेप नहीं आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई मेरी बात नहीं समझ में आ पा रही है या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बेझिझक होकर मेरे उससे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, उस वहाँ आपको जो भी क्लैरिफिकेशन करना हो किसी भी पॉइंट पर आपको जो नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, ठीक है, तो मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए, ठीक है ना, जितना आप शेयर करेंगे उतना जो है और लोगों को पता लगेगा, तो आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होगा कि आपको सब्सक्राइब के साथ जो एक बेल का आइकॉन होता है उसे आप प्रेस करेंगे तो मेरे जितने भी आने वाले वीडियोस हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा उसी समय आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि मेरी वीडियो आई है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एग्ज़ाम्पल 1 का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम करेंगे, तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स।